देश के 65 सांसदों ने ओबामा को चिट्ठी लिखकर अमेरिका से मोदी पर वीजा बैन जारी रखने की मांग की है, लेकिन चिट्ठी लिखने वालों की लिस्ट में शामिल सीताराम येचुरी ने हस्ताक्षर नहीं करने की बात कहकर चिट्ठी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया है। सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को लिखा है, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मोदी के खिलाफ वीजा बैन की नीति अमेरिकी सरकार जारी रखे। 40 लोकसभा और 25 राज्यसभा के सांसदों ने एक नहीं 3 चिट्ठियां लिखी हैं। तीसरी चिट्ठी रिमाइंडर के तौर पर पिछले रविवार को उस वक्त भेजी गई जब न्यूयॉर्क में राजनाथ सिंह मोदी के लिए बैटिंग कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी सरकार से मोदी पर से वीजा बैन हटाने की मांग की थी। हमने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को और ओबामा को ये लिखा था कि आपको क्या चेंजेस मिली हैं, क्या आपने समझा है कि मोदी जी की इम्प्लीकेशन ह्यूमन राइट्स वायलेशन में खत्म हो गई है, किसी इंक्वायरी ने आपको बताया है या आपकी अपनी रिसोर्सेज हैं, हमारी कोर्ट ने उनको और करीब से उनको उलझा हुआ पाया है, तो क्या रीजन है कि आप अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। चिट्ठी लिखने की अगुवाई मोहम्मद अदीब ने की। अदीब की पहल का अली अनवर ने स्वागत किया और साथ दिया। अदीब साहब भी एक पत्रकार ही हैं, तो उन्होंने पत्रकार वाली बुद्धि का इस्तेमाल किया। मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी भड़क गई। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता से घबराहट में उठाया गया ये कदम है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, वो देश में मुकाबला नहीं कर सकते तो जाकर इस लड़ाई को अमेरिका की सरजमी पर लड़ना चाहते हैं। चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का नाम भी है, लेकिन सूत्रों से खबर मिली है कि सीताराम येचुरी ने इस तरह की किसी चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी मोदी के खिलाफ अमेरिकी वीजा बैन को खत्म कराने की मुहिम में जुटी है और विरोधी वीजा बैन को जारी रखने की मुहिम चला रहे हैं। मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मोदी के नाम पर बीजेपी के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर कह दिया है कि मोदी की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है।